हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं 1982 में आई हुई फिल्म द डार्क क्रिस्टल के बारे में। सो फ्रेंड, बेसिकली मैं आपको इस वीडियो में फिल्म की पूरी एंडिंग एक्सप्लेन करूंगा फिल्म के पूरे प्लॉट के साथ, ताकि आप इस फिल्म के यूनिवर्स को काफी अच्छी तरीके से समझ पाओ। जी हाँ, मुझे लगता है सभी को ये बात पता होगी कि डार्क क्रिस्टल की सीरीज भी नेटफ्लिक्स पर अब अवेलेबल है, जो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज में भी है। और बात करें इस 1982 फिल्म की, तो अगर आप इस फिल्म को डार्क क्रिस्टल के यूनिवर्स में सेट करने की सोचोगे, तो फिलहाल तो ये फिल्म उस यूनिवर्स में अभी के लिए सेट नहीं होगी, क्योंकि किसी भी नहीं पता कि डार्क क्रिस्टल की सीरीज में नेटफ्लिक्स ने टोटल कितने सीजन की तैयारी कर रखी है। बट रूमर की माने तो कहा यही जा रहा है कि हमें डार्क क्रिस्टल की सीरीज में टोटल 3 सीजन देखने मिलेंगे, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, इसकी कंफर्मेशन नहीं की गई है। और अगर इसके 3 सीजन में डार्क क्रिस्टल के यूनिवर्स को खत्म किया जाएगा, तब जाकर ये फिल्म इस सीरीज के यूनिवर्स में आखिर में आकर बैठेगी। जी हाँ, कैसे क्यों, उसी पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और ये भी कंपलसरी नहीं है कि आपको डार्क क्रिस्टल की सीरीज देखने के लिए 1982 की डार्क क्रिस्टल फिल्म देखनी पड़ेगी। आप जाकर डायरेक्ट ही सीजन की शुरुआत कर सकते हो। तो चलिए अब एक मेजर स्पॉइलर वार्निंग के साथ शुरू करते हैं इस वीडियो को। और मेजर स्पॉइलर वार्निंग इसलिए क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, ये फिल्म डार्क क्रिस्टल के यूनिवर्स की एंड की है, जिसमें हमें एज ऑफ रेसिस्टेंस के बाद की स्टोरी दिखाई जाएगी, इसीलिए स्पॉइलर वार्निंग तो बनती है। सो फ्रेंड्स, बात करें इस फिल्म के प्लॉट की, तो इस फिल्म का प्लॉट इतना ज्यादा सिंपल है कि बस मैं आपको कुछ ही सेकंड्स में फिल्म की पूरे प्लॉट की डिटेल दे सकता हूँ। जैसे कि ये कहानी ज्यादातर तो बेस करती है गैफलिंग पर, जिसका नाम है जेन, जो दुनिया को बचाएगा, वो भी डार्क क्रिस्टल को फिर से सही कर, यानी डार्क क्रिस्टल का जो टुकड़ा है, क्रिस्टल शार्ड, उसे ढूंढकर उसकी सही जगह पर पहुंचाना है। बस यही फिल्म का प्लॉट है। लेकिन डार्क क्रिस्टल पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, उसे डार्क बना दिया गया, जिसके कारण से क्रिस्टल क्रैक हुआ और थ्रा की ये पूरी दुनिया तबाह हो गई। और अब ये दुनिया बस अंधकार में डूबी हुई है। और अब इसके कारण की बात की जाए, तो इसका कारण एक्चुअल में दो लोग हैं, जिनमें से एक लोग है ऑब्वियसली स्केक्सीज और दूसरे है मेस्टी, जिन्हें उरू कहा जाता है। पर ताकि इस दुनिया को बर्बाद करने में पूरा का पूरा हाथ स्केक्सीज का था, जिन्होंने क्रिस्टल पर राज किया, जिसके बाद वो क्रिस्टल क्रैक हुआ और उनकी भूख इतनी ज्यादा बढ़ती गई, लालच, जिस लालच ने सारे के सारे गैफलिंग्स को खत्म कर दिया। जी हाँ, इस यूनिवर्स में स्केक्सीज को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है, यानी जो 7 नस्लें हैं स्केक्सीज की, वो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करती। और अब इस ताकि पूरी दुनिया पर राज सिर्फ स्केक्सीज का ही है। लेकिन इस तबाही के बीच कुछ भविष्यवाणी भी की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि स्केक्सीज को अगर कोई बर्बाद करेगा तो वो गैफलिन ही होगे। लेकिन अब कई 100 साल बीत गए हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि मैक्सिस ने बचपन में ही जेन को बचा लिया था। और तब से लेकर आज तक जेन मैक्सिस के साथ में ही रहता है, जहाँ पर मैक्सिस उसे ट्रेन करते रहे ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो पाए। जिसके बाद जेन की जर्नी शुरू होती है उसके मास्टर की डेथ के बाद, जो मरने से पहले जेन को उस भविष्यवाणी के बारे में भी बताते हैं, जिसके बाद वो जेन को डार्क क्रिस्टल का वो टुकड़ा देते हैं, जिस टुकड़े को ले जाकर जेन को उसकी सही जगह पर रखना है। यानी ये मिशन खतरों से भरा हुआ है, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो स्केक्सिस आने वाले कई 100 सालों तक फिर से राज करेंगे। और फिर उसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि मैक्सिस और स्केक्सिस के बीच में क्या कनेक्शन है, क्योंकि जब यहाँ पर जेन के मास्टर मरते हैं तो डार्क कैसल में एम्परर की भी मौत दिखाई जाती है, जिसके बाद अब डार्क क्रिस्टल में ये माहौल हो गया है कि नया एम्परर बनेगा कौन, जिसके बाद द जनरल और कैम्बेलिन के बीच एक मुकाबला रखा जाता है, जिस मुकाबले का नाम ट्रायल बाय स्टोन है। और इस मुकाबले में इन दोनों को अपनी ताकत दिखानी है कि कौन अपनी ताकत के बलबूते पर इस स्टोन को तोड़ने की ताकत रखता है, जिसके बाद ऑब्वियसली जनरल ही जीतता है और पनिशमेंट के तौर पर कैम्बेल के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। और इसी बीच डार्क क्रिस्टल में उन्हें जिन के विजन नजर आते हैं, जो अपनी जर्नी पर निकल पड़ा है, जिसके बाद स्केक्सिस इतने ज्यादा डर जाते हैं कि जो प्रोफेसी की गई थी उनके डिस्ट्रॉय की, वो अब सच होती हुई नजर आ रही है। और अब उन्हें जल्द से जल्द जिन को रोकना होगा, वरना हालात और भी बदतर हो सकते हैं। पर जिन को इससे पहले ओगरा से जाकर मिलना है, और ओगरा के पास ही उस क्रिस्टल का आखिरी टुकड़ा है। बट ओगरा के पास पहुंचने के बाद जेन को वहां पर क्रिस्टल के काफी सारे टुकड़े मिलते हैं, जिसके बाद जेन अपनी फ्लूट बजाकर असली क्रिस्टल को पहचान लेता है। और बात करें ओगरा की, तो ओगरा ही क्रिस्टल की असली रखवाली थी, बट स्केक्सिस ने आकर उसे भड़काया और उसे एक अच्छा खासा डिवाइस बनाकर दिया, जिस डिवाइस की मदद से वो स्पेस के बीच फंसी रही, वो भी कई 100 सालों तक, जिसके बाद यहां पर स्केक्सिस ने अपना राज बना लिया। लेकिन जो प्रोफेसी की गई थी, उस प्रोफेसी के अकॉर्डिंग डार्क क्रिस्टल को सही करने के लिए दी ग्रेट कंजंक्शन का वेट करना पड़ता है। ये एक रिचुअल है जो तार पर कई 100 सालों बाद एक ही दिन के लिए आती है, और अब वो दिन बहुत ही ज्यादा करीब है, जिस दिन आसमान में 3 सूरज एक ही जगह पर हो गए, तब द ग्रेट कंजंक्शन की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर डार्क क्रिस्टल को पूरा नहीं किया गया, तो फिर क्रिस्टल डार्क ही रहेगा। इसलिए जेन को अपनी जर्नी जल्द से जल्द खत्म करनी है। तो अब आ जाते हैं उसी सीन पर, जिस सीन में जेन को क्रिस्टल मिल जाता है, लेकिन आगे कुछ और डिटेल मिले जेन को, उससे पहले ही वहां पर ग्रिम्स पहुंच जाते हैं। ग्रिम्स स्केक्सिस के लिए काम करते हैं, एक हिसाब से ग्रिम्स
जेन्स स्केक्सिस के वफादार गार्ड्स है, लेकिन वहाँ पर जेन खुद को बचाने में कामयाब होता है और निकलकर भाग जाता है, जिसके बाद मैक्सिस को ये पता चल जाता है कि जेन को क्रिस्टल का टुकड़ा मिल गया है और अब उन्हें भी अपनी जर्नी को शुरू कर देना चाहिए जो प्रोफेसी के हिसाब से लिखी गई थी। यानी यहाँ पर मैक्सिस को द ग्रेट कंजंक्शन स्टार्ट होने से पहले डार्क कैसल में पहुँचना है। बट इस बीच जेन की मुलाकात होती है एक फीमेल गैफलिन केरा से, और केरा की बात की जाए तो केरा एक अनाथ है जिसके माँ बाप और पूरे के पूरे विलेज को स्केक्सिस ने ग्रिम्स के साथ मिलकर डिस्ट्रॉय किया था, लेकिन इस बीच कीरा को बचा लिया गया था एक जिन की ही तरह। जहाँ पर जिन बचपन से लेकर बड़े होने तक मैक्सिस के साथ पला था, वैसे ही कीरा बचपन से लेकर बड़े होने तक पॉडलिंग्स के साथ पली बड़ी थी। और बात करें पॉडलिंग्स की तो पॉडलिंग्स अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा खुश रहते हैं, बट दूसरी तरफ आ जाए डार्क क्रिस्टल पर तो डार्क क्रिस्टल में पॉडलिंग्स है लेकिन वो लोग दिखने में क्यूट नहीं बल्कि काफी ज्यादा अजीब है, जैसे कि मानो उनकी उम्र को चुरा लिया गया है। जी हाँ, सच में ऐसा हुआ है और ये काम किया है स्केक्सिस साइंटिस्ट ने, जिसने एक मशीन बनाई है जो मशीन डार्क क्रिस्टल से कनेक्ट रहती है, जिसके बाद क्रिस्टल पॉडलिंग्स की उम्र को खींचता है और उसे एक लिक्विड फॉर्म एंशियंस में बदल देता है, जिसके बाद स्केक्सिस उस एक्सेस को पीते हैं और फिर से यंग हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि पॉडलिंग्स के एक्सेस इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से स्केक्सिस ज्यादा टाइम तक यंग नहीं रह पाते, कुछ ही सेकंड्स तक यंग रहते हैं। और अगर इसमें स्ट्रांगर एक्सेंस की बात करें तो स्ट्रांगर एक्सेंस सिवाय फेडलिंग्स के और किसी का भी नहीं है, इसलिए अब स्केक्सिस को जेन और केरा के एक्सेंस चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। और अब आ जाए केरा और जिन पर, तो केरा जिन को उसके विलेज में ले जाती है जहाँ पर अच्छी खासी पार्टी चल रही होती है, लेकिन इस पार्टी को खराब करने के लिए वहाँ पर ग्रेमलिंस आ जाते हैं और उन पेडलिंग्स को वो लोग उठाना शुरू करते हैं, और यहाँ तक कि वो लोग जिन और केरा को भी ढूंढते हैं जो वहाँ से बचकर निकल जाते हैं, जिसके बाद जिन को ये लगता है कि सब के सब मुसीबत इस क्रिस्टल के टुकड़े की वजह से ही हो रही है, जिसके बाद जिन उस क्रिस्टल के टुकड़े को फेंक देता है और केरा उस टुकड़े को उठाकर जिन को समझाती है। और इसी बीच वो लोग एक टूटे फूटे जगह पर पहुँचते हैं जो कि असल में किसी कैसल से कम नहीं था, जिसके बाद उन दोनों को ये पता चलता है कि ये घर एंशियंट गैफलिंग्स का था, जिसके बाद केरा को वहाँ पर कुछ वर्ड्स मिलते हैं जो उन्हीं इशारों में केरा को सारी की सारी कहानियां बता देते हैं, जैसे कि उन तीन सूरजों का एक जगह पर आना, जिसके बाद क्रिस्टल पर लाइट पड़ती है, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्रिस्टल पूरा होना चाहिए, तब जाकर क्रिस्टल काम करता है, और इन सबके बीच उस जगह पर स्केक्सिस और मैक्सिस भी होने चाहिए, जिन्हें मिलाकर एक तीसरा क्रिएचर बनता है जिसका नाम है द फॉलन ऑर्किस, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। खैर, तो यहाँ पर कीरा और जेन को उतना ज्यादा पता नहीं चलता है कि इन सभी बातों का मतलब क्या है, जिसके बाद कीरा वहाँ पर अपनी आवाज से लैंड स्कीडर्स को बुलाती है जो काफी ज्यादा तेज भाग सकते हैं, जिनकी मदद से वो लोग डार्क क्रिस्टल के कैसल तक पहुँच जाते हैं, जिसके बाद वो लोग मिलकर वहाँ पर ग्रिम्स का मुकाबला करते हैं, लेकिन ग्रिम्स इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कि कीरा और जिन उन लोगों के सामने टिक नहीं पाते, जिसके बाद कीरा जिन को लेकर उस हिल से नीचे कूद जाती है, और तब जाकर जिन को ये पता चलता है कि कीरा के पास उसके फ्लाइंग विंग्स भी है, जिसके बाद कीरा जिन को ये बताती है कि सिर्फ फीमेल फेगलिंग्स के पास ही विंग्स होती है, और उसके तुरंत बाद ही उन लोगों को कैसल में जाने का रास्ता मिल जाता है, जहाँ पर पहुँचने के बाद उन दोनों पर अटैक चेम्बरलिन करता है जो खुद की जगह स्केक्सिस के बीच फिर से बनाना चाहता है, और अब इससे अच्छा मौका उसे और कहाँ पर मिलेगा, और यही मौका देखकर गैफलिन कीरा को पकड़ लेता है और एम्परर के पास ले जाता है, जिसके बाद कैमलिन को उसका दर्जा फिर से वापस मिल जाता है। लेकिन जब साइंटिस्ट कीरा के एक्शंस निकालने ही वाला होता है, तो इस बीच कीरा अपनी पावर यूज करती है, जिन पावर से वो सभी क्रिएचर को बुलाती है, जिसके बाद वो सभी के सभी क्रिएचर्स और एनिमल मिलकर साइंटिस्ट को लावा में फेंक देते हैं, और साइंटिस्ट के मरने के बाद ही मैक्सिस में से एक और मेंबर कम हो जाता है, और जिन जैसे तैसे कर डार्क क्रिस्टल तक पहुंच जाता है, और ग्रेट कंजंक्शन बस कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाली है, और जिन मौका देखकर सीधे डार्क क्रिस्टल पर कूद जाता है, लेकिन इस बीच वो क्रिस्टल का टुकड़ा स्केक्सिस के पास गिर जाता है, जिसके बाद कीरा मौका देखकर उस क्रिस्टल के टुकड़े को उठाकर फिर से जिन को दे देती है, लेकिन इस बीच स्केक्सिस कीरा को मार देते हैं, जिसके बाद जिन क्रिस्टल के उस टुकड़े को उसकी सही जगह पर पहुंचा देता है, जिसके बाद लाइट की मदद से क्रिस्टल फिर से अपने पहले जैसे फॉर्म में आ जाता है, यानी पूरा व्हाइट, जिसके बाद पूरा का पूरा क्रिस्टल कैसल टूटना शुरू हो जाता है और पॉडलिंग्स को उनके एक्शन फिर से वापस मिल जाते हैं, और इसी बीच ग्रिम्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और इस बीच वहाँ पर मैक्सिस भी पहुंच जाते हैं ताकि इस भविष्यवाणी को पूरी तरीके से सच कर दिया जाए, जिसके बाद मैक्सिस जैसे ही अपनी प्रॉपर जगह पर खड़े होते हैं तो वो लाइट की पावर से स्केक्सिस को भी अपने पास खींचना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद वो दोनों मिलकर दी एंजल ऑर्किस के फॉर्म में आ जाते हैं, जो कि उनका असली फॉर्म था, और इन ऑर्किस को उनके होम वर्ल्ड से निकाल दिया गया था द लास्ट कंजंक्शन के वक्त, और उसके बाद ऑर्किस ने ये डिसाइड किया था कि वो खुद में से लालच को निकाल कर बाहर फेंक देंगे, जिसका नतीजा स्केक्सिस और मैक्सिस निकले थे, और स्केक्सिस ने ट्रू क्रिस्टल को पूरी तरीके से डार्क क्रिस्टल में बदल दिया, वो भी ओकरा को बहला फुसला कर। लेकिन अब सब कुछ पहले जैसा हो गया है, जिसके बाद ऑर्किस जेन को इनाम के बदले में केरा की जिंदगी वापस लौटाते हैं, ये बोलकर कि अब आगे चलकर उन लोगों को इसी दुनिया को संभालना है और आगे बढ़ाना है, और यहाँ तक कि क्रिस्टल ऑफ लाइट का भी ध्यान रखना है, जिसकी ज्यादा जिम्मेदारी फिर से ओकरा पर भी आई है, क्योंकि क्रिस्टल ने ही ओकरा को क्रिएट किया था ताकि लोगों को क्रिस्टल के बारे में पता रह सके कि क्रिस्टल क्या चाहता है और
और उसका मकसद क्या है, लेकिन जो डिटेल मैंने आपको आगरा की दी उसकी वजह से काफी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। लेकिन अब सब कुछ पहले जैसा है, यानी क्रिस्टल अब डार्क नहीं रहा और पूरा का पूरा कैसल भी पहले जैसा पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया है। यहाँ तक कि अवतार की पूरी दुनिया भी जो पहले जैसी ही खूबसूरत है। तो यहाँ पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। और बात करें इसकी सीरीज की, तो हमने सीरीज में एक से कई ज्यादा गैपलिंग्स देखे, जिसका मतलब साफ है कि हमें प्रीक्वल में ये बताया जाएगा कि किस तरीके से स्केक्सिस ने आकर इस पूरी की पूरी तार की दुनिया को तबाह किया। यानी हो ना हो एंड में बैटल पेरलिंग्स हारेगी ही स्केक्सिस से, और उसके बाद जाकर ये फिल्म उस टाइमलाइन में परफेक्ट जगह पर बैठेगी। लेकिन शायद ये भी हो सकता है कि इस फिल्म को सीजन 1 के एंड में या फिर सीजन 2 के एंड में कनेक्ट कर दिया जाए और फिर आगे की स्टोरी इसके बाद से कंटिन्यू की जाए। अब ये बस मेरी एक सोच है, तो शायद ही ऐसा कुछ हमें नेटफ्लिक्स की सीरीज में देखने मिलेगा। वेल, तो अब मुझे लगता है इस फिल्म से आपको डार्क क्रिस्टल का यूनिवर्स और भी अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं सीरीज को भी लेकर आपको और भी काफी सारी डिटेल्स दूं, तो डेफिनेटली आप उस वीडियो का भी वेट कीजिएगा। लेकिन उसके मैं अलग अलग एपिसोड्स के एक भी वीडियोस नहीं बनाऊंगा, एक ही एंडिंग एक्सप्लेन में मैं आपको पूरा का पूरा सीजन 1 एक्सप्लेन कर दूंगा। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, सीजन 1 हिंदी में अवेलेबल है जबकि ये फिल्म नहीं है। हालांकि मैंने इस फिल्म को हिंदी में देखा था, वो भी काफी टाइम पहले, बट अब ये फिल्म हिंदी में अवेलेबल तो है नहीं, इसलिए इस फिल्म को एक्सप्लेन करना तो बनता है। और अब बात रही इसके सीजन 1 की, तो उस वीडियो को मैं जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अब तक मैंने सीजन 1 के एक भी एपिसोड्स देखे नहीं है। तो चलिए जल्दी से मैं उसकी तैयारी शुरू कर देता हूँ। अब आई थिंक बस इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है इस फिल्म को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और उसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लगे तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वेल, तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।